अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट जी। तो हम लोग आज स्टार्ट करें 10 क्लास 2.7 चैप्टर 2.7। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है गॉड्स प्रॉब्लम है, जिसमें आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। पहले चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, दूसरे में आपने थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब वर्ड प्रॉब्लम में आप लोगों ने रियल लाइफ प्रॉब्लम में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है, उससे आप लोगों ने सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चलाना होता है। जैसे कि आप लोगों के पास अब क्वेश्चन हो, एग्जांपल हमने रियल लाइफ इक्वेशन में दिए हुए कि सपोज अ रेक्टेंगुलर शेप इज बीइंग बिल्ट एट द एरिया ऑफ 120 स्क्वायर मीटर। कह रहे हैं कि आप लोग मिलकर एक रेक्टेंगुलर शेप बना रहे हैं जिसके लिए बनता है 120 स्क्वायर फीट। 7 फीट इज लॉन्गर देन इट्स विड्थ, जो उसकी लेंथ है वो 7 फीट ज़्यादा है उसकी विड्थ से। ठीक हो गया। आप लोग फाइंड इट्स डायमेंशन, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी। जब आप उसको लिखते हैं न्यूमेरिकली तो आप लोगों के पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इस तरह से कोई जो क्वेश्चन होता है आप लोग जब उसको थ्योरी और मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो आप लोगों के पास कोई ना कोई इक्वेशन दे रही होती है। ये वर्ड प्रॉब्लम होते हैं तो आप लोग बस यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक में ही पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम है। इस तरह आप लोगों के पास एक्सटेंशन 2.7 है और क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन वन जब आपके पास आ रहा है तो वो है फाइंड अदर पॉजिटिव इंटीजर हूज प्रोडक्ट इज 72। क्या करो दो ऐसे पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट आता है 72। पॉजिटिव हो और कंसेक्यूटिव हो, कंसेक्यूटिव मीन अगर पीछे जैसे 8 और 9 दो आ जाते हैं कंसेक्यूटिव, पॉजिटिव मीन कंसेक्यूटिव 9 10 देन देन जो आप करने के लिए ठीक होगा। फर्स्ट स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, लेट सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। हम कहते हैं ये दो इंटीजर हैं और इनका क्या होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन कार्डिनल क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट आप उनके पास 72 है। क्या है 72 से कंडीशन नहीं मिल रहा है कि दो कंजर्वेटिव इंटीजर हमने एक ले लिया x और एक ले लिया x प्लस 1। अब जब इनका प्रोडक्ट आप लोगों के पास क्या आ रहा है 72, मल्टीप्लाई करके आप लोग देखते हैं x इनटू x x स्क्वायर x को 1 से मल्टीप्लाई करें x को इज इक्वल टू 72। ठीक हो गया। अब आप लोगों के पास कंडीशन ये थी ना कि दो पॉजिटिव कंजर्वेटिव इंटीजर है, तो हमने पहला पॉजिटिव कंजर्वेटिव इंटीजर लिख दिया x, हमें पता नहीं क्या है x आएगा। दूसरा पॉजिटिव कंजर्वेटिव हमने देख लिया कंजर्वेटिव x प्लस 1, ये अगर 7 आता है तो ये 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, ये 8 आता है ये 8 प्लस 1 9 हो जाएगा कंजर्वेटिव। ठीक हो गया। तो कार्डिनल कंडीशन उसने कहा था कि गूस प्रोडक्ट इज 72, उन दो पॉजिटिव कंजर्वेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कितना आता है 72। x into x, x के, x वर्जन की टैगर है, x is equal to 72. साथ में भी, x के plus x minus 72 equal to 0. जी, अब आप लोग इसको क्या कर दिया? वर्ड प्रॉब्लम था, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तो ऐसी हमारे पास एक स्टेटमेंट थी जो हमारे पास मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रही है। फैक्टराइज करें, प्लस माइनस से वर्धा या मल्टीप्लाई से 72 है, माइनस 72 9 माइनस 8 के लिए कितना है 9 माइनस 8 1 और 8 9 जा 72। अब मेरे पास ये बन गया 72 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लें x प्लस 9, माइनस 8 कॉमन ले लें x प्लस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 8 x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो उसके वैल्यूज निकाल लें x माइनस 8 इक्वल टू 0, x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू माइनस 9। तो क्या हो गई हम आप लोग का के देखेंगे तो थोड़ा चेंज आई x इक्वल टू 8 हमारे पास आ रहा है लेकिन x इक्वल टू माइनस 9 जबकि हमने यहां पर लिखा हुआ है पॉजिटिव तो ये हमारे पास आ रहा है नेगेटिव क्योंकि हमने नेगेटिव 8 आ गया क्या जब आपके पास इंटीजर आ गया
x लिख क्या लिखे, सेकंड इंटीजर आ गया x plus 1, add plus 1 is equal to 9, और आप इसको करें, add 9 is 17, ठीक हो गया, जी, तो ये था आपका first question, अब आप लोगों के पास आ जाएगा next question, दूसरे question के लिए sum of square of 3 consecutive integer is 50, find the integer, sum of the square of 3 consecutive के तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर, यहां पर आप पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं, कोई से भी इंटीजर, इंटीजर आपको पता है प्लस में भी होता है और एक माइनस में भी होता है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर हो, उनका सम, उनके स्क्वायर का सम करें तो आप लोगों के पास कितना आ जाए, 50 आ जाए, 36 53। अब आप लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन, तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर, दैट फर्स्ट इंटीजर x, let second integer x plus 1, consecutive integer, let third integer x plus 2, ये 7 का है, 7 का सुने होते हैं, 7 7 का सुने, 7 का सुने, 7 ने होते हैं, consecutive मतलब क्या है, अब कंडीशन क्या दे रहे हैं, इनके स्क्वायर का सम करें, स्क्वायर का सम करें तो आंसर आता है 36 ने 50 क्या है 50 जी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट आप हमारे पास आ गए x का स्क्वायर, इसके बाद है x plus 1 whole square, x square plus 1 square plus 2, यहाँ पर फार्मूला उपयोग करोगे a का square plus b का square, 1 का square 1 plus 2 a, b 1 का 2 x आ गया, अब भी फार्मूला उपयोग करोगे a square plus b का square plus 2 a, 2 a b, 2 a b या x के प्लस x के प्लस x के 3x के 4 प्लस 1 5 2 टू जा 4x 50 प्लस साइड ले और माइनस इक्वल टू 0 3x के 4 प्लस 2 6x माइनस 45 इक्वल टू 0 तो फैक्टराइजेशन हो सकती है, लेकिन मैंने आपको कहा था फैक्टराइजेशन में फर्स्ट चीज जो आपके पास होती है वो होता है कॉमन लेना, आप कॉमन ले लिया आपने p कॉमन x के प्लस 2x माइनस 15, अब हमारे पास बन गया x के प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो मिड टर्म ब्रेक करें जो आप लोगों के पास प्लस माइनस करने से 2i मल्टीप्लाई करने से 15 आ रहा, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2, 5 3 जा 15, ये आपके पास x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल 0, x माइनस 3 इक्वल 0, x प्लस 5 इक्वल 0, x इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 5, अब आपने क्या कर दिया जो 3 है उसको पुट कर दिया, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या रहेगा, पहले इसको पुट कर दिया, फर्स्ट इंटीजर x की वैल्यू आ गई 3, सेकंड इंटीजर x प्लस 1 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, थर्ड इंटीजर x plus 2, 3 plus 2, 5. तो एक आ गया 3, एक आ गया 4, एक आ गया 5, 3 को पुट कर दिया है। अब देखें, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 plus 16 plus 25 कितना आता है 50,
आप दूसरे को फर्स्ट इंटीजर माइनस वन सेकेंड माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर थर्ड इंटीजर एक्स प्लस टू माइनस फाइव प्लस टू माइनस थ्री एक आ गया माइनस फाइव एक आ गया माइनस फोर एक आ गया माइनस थ्री इसमें पुट कर दिया माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस हो जाता है ट्वेंटी फाइव माइनस फोर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा सिक्सटीन माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस हो जाएगा नाइन फिर भी सम करके कितना आता है फिफ्टी हमारे पास दो नंबर आ गए एक आ गया थ्री फोर फाइव और एक हमारे पास आ गया माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री ये आपका आंसर है इस तरह से करने एक आ गया थ्री फोर फाइव थ्री फोर फाइव और दूसरा आ गया माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री तो ये आप लोगों के पास सेकंड क्वेश्चन था नंबर प्रॉब्लम को आप लोग देख सकते हैं ये भी क्वाड्रेटिक ही था तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो चल रही है वो आप लोगों के पास स्टेटमेंट के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने बनानी है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जी क्वेश्चन नंबर थर्ड द लेंथ ऑफ द वॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ हाल है जैसे कि रूम है हमारे पास हम ये इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर ज्यादा है इसकी विड्थ से मतलब अगर हमारे पास अगर इसकी विड्थ 5 है तो हम कहेंगे इसकी जो लेंथ होगी वो 10 होगी 5 मीटर ज्यादा होगी अगर हम कहेंगे ये 7 है इसकी विड्थ तो 5 ज्यादा होगी वो 12 ठीक हो गया वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास द लेंथ ऑफ वॉल इज 5 मीटर मोर देन जो हाथ की लेंथ है वो उसकी चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा है लेंथ क्या है इसका एरिया और अगर ये रूम है इसका एरिया 36 स्क्वायर मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ऑल एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है ये क्या फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ जब क्या हो लेंथ और विड्थ आपको पास आ रही हो बाकी क्यूब के अंदर वॉल्यूम लिखा जाता है वगैरह वगैरह लेकिन जब टू डायमेंशन होता है एक्स और वाई एक्सिस में तो वहां पर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है थ्री डायमेंशन में जैसे कोण है जैसे क्यूब क्यूब वाली शेप है क्यूबॉइड जिसको जैसे आपके पास डायमंड होता है उसके अंदर ये एरिया नहीं होता बल्कि उसमें वॉल्यूम आ जाता है ठीक हो गया या वो आप लोगों के पास सिलेंडर होता है उसमें वॉल्यूम होता है क्योंकि उसमें एक्स वाई जेड तीन चीज़ें होती है खुला भी होता है लेंथ भी होती है चौड़ाई भी होती है और उसकी हाइट भी होती है समझिए बात तो यहाँ पर जब एक्स लेंथ और विड्थ की बात हो रही है तो एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है जब ये रेक्टेंगल के लिए स्क्वायर के लिए पैरेललोग्राम के वगैरह वगैरह ये चीजें जो भी तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ ऑफ आर इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ अब विड्थ दे देते हैं विड्थ ऑफ आर एक्स विड्थ ऑफ आर एक्स और लेंथ ऑफ आर कितना का है 5 मीटर मोर ये अगर 5 है ये 5 प्लस 5 10 ये 7 है तो 7 प्लस 5 10 5 मीटर मोर अकॉर्डिंग टू कंडीशन एरिया दे रहे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू 36 ये ऐसे लिख देता हूं x into x plus 5 then multiply by width is equal to 36 यार बता दे तो एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय जब ये रेक्टेंगल शेप होती है जब लेंथ और विड्थ इक्वल हो जाए तो विड्थ इक्वल टू स्क्वायर है x into x x square plus 5x minus 36 equal to 0
इसको फैक्टराइज करके 10 माइनस से 5 आए मल्टीप्लाई से 36 आए क्या आया 9 माइनस 4 9 माइनस 4 5 9 4 का 36 10 माइनस माइनस ठीक हो गया x कॉमन ले ले x प्लस 9 माइनस 4 कॉमन ले ले x प्लस 9 इक्वल टू 0 x माइनस 4 x प्लस 9 इक्वल टू 0 x माइनस 4 इक्वल टू 0 x प्लस 9 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 9 अब आप लोगों को पता है कि 4 तो ठीक है लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती आप कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि इस दीवार की जो लंबाई है वो माइनस 9 मीटर है नहीं आप कभी भी नहीं कहेंगे कि आपकी हाइट माइनस 5 फीट है इसलिए जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव होता है x इक्वल टू माइनस 9 नेगेटिव बिकॉज लेंथ नॉट टू नेगेटिव तो अब हम नेगेटिव जो होता है वो कभी भी नहीं किया जाता लेंथ या ब्रेथ में वो नेगेटिव है x इक्वल टू 4 हम आपको दे देते हैं तो ब्रेथ भी आपके पास आ दिया जाएगी वो आ गई 4 और लेंथ जो आ जाएगी वो होगी x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9 आप मल्टीप्लाई करो 9 को 36 आपके पास ठीक हो गया तो ये आप लोगों के पास था जब रूम के बारे में या किसी के हॉल के बारे में बताया जाए कि उसके अंदर क्या क्या लेंथ है और क्या ब्रेथ है तो अब जब हम न्यूमेरिकली आप लोग करते हैं तो आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और क्वाड्रेटिक को आगे सॉल्व कर लेते हैं अब आप लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 मस्ट है एक वेरिएबल है तो फिर एक कंडीशन जैसे हम लोग पीछे
मिलाते हैं कि उनका प्रोडक्ट इतना है, उनका सम इतना है। ठीक हो गया आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों का जब तीन अननोन हो गए तो वहां पर तीन इक्वेशन होना मस्ट होगा। ठीक हो गया। अब आप लोग आ जाए उसको सॉल्व करेंगे। उसका सॉल्व करने का जिस तरह पिछले एग्जाम में आप लोगों ने किया था और अभी रिजल्ट में पिछले एग्जाम में आपके क्वेश्चन रहता भी था, वो जो दास वाला जिसका मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। ठीक हो गया। अब दो नंबर इसको सॉल्व करने का तरीका तो क्या करते थे वहां पर, ये करते थे कि पहले में से वैल्यू निकालते हैं किसी एक वैल्यू की और वो बन जाते थे इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देते थे टू, पुट इक्वेशन थ्री इन टू, फिर उसका पुट कर देंगे टू में। आप लोगों के पास थ्री है इलेवन माइनस वाई, पुट किस में करेंगे टू में, एक्स के बराबर इलेवन माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो पीछे लिख दे तो कि हम लोग इस इक्वेशन को दे हैं इलेवन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब यहाँ पर आगे क्या करते हैं, फार्मूला वन कर दें, इलेवन माइनस वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 121 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab y स्क्वायर प्लस 121 टू अलेवन दर 22 65 प्लस साइड में माइनस हो जाएगा इक्वल टू जीरो। y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू y स्क्वायर माइनस 22 y और ये कितना बचा है आप लोगों के पास 121 माइनस 65
तो क्वेश्चन नंबर 5 का दिशा मास के रूप में नंबर इज रिलेटेड वन नंबर इज टू मोर देन द अदर फाइंड द नंबर क्या है कि सम मास के रूप में नंबर इज 100 अब पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन में फर्क क्या है पिछले नंबर जो था उसने 2 नंबर किए थे और उनके दरमियान कोई रिलेशन भी नहीं था जबकि यहां पर रिलेशन है क्या कि सम मास के रूप में जो कंडीशन है आगे जाकर कि वन नंबर इज टू मोर देन द अदर मतलब उनके दरमियान सिर्फ इतना फर्क है एक नंबर दूसरे से दो ज्यादा है ठीक हो गया एक नंबर दूसरे से दो ज्यादा है ये नहीं कह रहे कि दो डिफरेंट नंबर है बल्कि एक दूसरे का रिलेशन अब यहां पर आप दो वेरिएबल देट नहीं करेंगे एक ही होगा सिर्फ उन दोनों का आपस में रिलेशन होगा कैसे कह रहे हैं फर्स्ट नंबर अगर मैं ले लूं एक्स तो सेकंड नंबर टू मोर देन के इस नंबर से टू मोर देन हो गया एक्स प्लस टू सही हो गया कार्टेशियन कंडीशन कंडीशन से शुरू में दे दी थी सम मास के रूप में नंबर इज रिलेटेड सम करो उसके स्क्वायर करो और क्या है उसका आंसर जो है वो आपके पास 100 है आपको बताओ कि कौन सा नंबर है x स्क्वायर यहां पर दो नंबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 100 इस में रहेगा 0 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x 100 माइनस 100 प्लस 4 माइनस 96 इक्वल टू 0 तो क्या बनाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 14 8 को डिवाइड कर दे तो x स्क्वायर 2x माइनस 48 इक्वल टू 0 अब आप दोनों के लिए फैक्टराइज करते हैं मल्टीप्लाई से 48 माइनस 14 10 माइनस 7 होना चाहिए तो आप अपने पास 8 माइनस 6 कर देंगे 12 और 8 6 और 48 प्लस माइनस माइनस कर देंगे x का मान दो x प्लस माइनस 6 का मान दे दो x प्लस 8 x माइनस 6 x प्लस 8 डायरेक्ट आंसर के क्यों क्योंकि आप लोगों को बताया कि फैक्टराइजेशन c में दो नंबर है अब फर्स्ट नंबर क्या है फर्स्ट नंबर x ग्रेटर देन 6 सेकंड नंबर x प्लस 2 था 6 प्लस 2 हो गया 8 इस साइड का जो फर्स्ट नंबर है x इज इक्वल टू माइनस 6 सॉरी माइनस 8 और दूसरा नंबर है सेकंड नंबर x प्लस 2 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 तो अब हमें बात नंबर क्या बन गए एक बन गए 6 और 8 और एक बन गया माइनस 8 और 6 माइनस 8 और माइनस 6 ठीक हो गया तो ये आप लोगों के पास था जब एक नंबर दूसरे से टू मोर देन तो ये देख टू मोर देन सिक्स से ट्वेल्व आ गया माइनस सेवन टू माइनस सिक्स आ गया अब ये ध्यान रखने माइनस सिक्स जो है वो क्या है बड़ा होता है माइनस सिक्स क्या होता है बड़ा होता है जबकि माइनस एट छोटा होता है नेगेटिव में जितना बड़ी वैल्यू होगी वैसे उतनी उसकी वैल्यू कम होगी ठीक हो गया जितना बड़ा डिजिट नेगेटिव के साथ होगा उतना ही छोटा होगा जितना छोटा डिजिट होगा उतना ही नंबर बड़ा होगा समझ गए 6 और 8 बड़ा है माइनस 8 है छोटा और माइनस 6 2 4 है तो यहां तक आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि इसमें सिर्फ हमने दो